स्टडी फॉर जॉब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आपको हर रोज सरकारी नौकरी की जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं हूं विवेक चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहे हैं। ये वैकेंसी आती है 12वीं पास के कैंडिडेट के लिए और यहाँ पर कुल मिला के लगभग 1200 पोस्ट है। सबसे खास बात कि ये सभी भर्तियां ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए हैं। इसका मतलब कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता दें तो आपको इस वेबसाइट पर मॉक टेस्ट, सरकारी नौकरी की जानकारी, UP SSC की लेटेस्ट न्यूज और रेलवे की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। आपको इस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके डिस्प्ले पर जो लिंक शो कर रहा है आप उस लिंक से भी इस वेबसाइट पे आ पाएंगे। और यहाँ पर लगभग 1200 पोस्ट है और पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट, मतलब कि लैब सहायक। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपके वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाके इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ नीचे से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं आगे, तो ये वैकेंसी आती है राजस्थान से और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो केवल राजस्थान में होगा। उम्र सीमा की बात करें तो इसके लिए आपकी उम्र कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2019 को और इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यह फार्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा रहा है और इसका भरने का डेट शुरू होगा 14 मई 2018 से तथा इसका अंतिम डेट है 13 जून 2018। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल तथा OBC के कैंडिडेट को 450 रुपये का चलान देना होगा तथा SC ST और PWD के कैंडिडेट तथा फीमेल कैंडिडेट को 350 रुपये का चलान देना होता है। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटेन एग्जामिनेशन के बाद होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका आवेदन करने में इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपके वीडियो के नीचे एक लिंक है, आप उस लिंक से इस वेबसाइट पे आइए और इसका नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप इसे 14 मई के बाद यहां से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। फाइनली सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।